देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना। ये H&M और ज़ारा पे ज़्यादा शाइनी शाइनी ना, फुल पार्टी टाइप का लगने वाला ये बैग। ओह माय गॉड, ये जिमी चू से मतलब। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए और मीशो हॉल लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही अफोर्डेबल हैंड बैग, स्लिंग बैग और क्लच, और ये सब मैं आपके सामने ही अनबॉक्स करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि इस हॉल वीडियो में मैं सारे प्रोडक्ट आपके सामने ही अनबॉक्स करूँगी, तो सारे प्रोडक्ट वैसे ही पैक है जैसे मैंने उन्हें ऑर्डर करके मंगवाया था। तो इन सब पर मेरा फर्स्ट रिएक्शन होने वाला है, और जैसे मुझे क्वालिटी लगेगी मैं आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही हेल्पफुल अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि इन सारे बैग्स में आपको कौन सा बैग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए, लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्टली हम इस बैग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मुझे सबसे बड़ा पार्सल लग रहा है, तो मे बी इसमें सबसे अच्छा बैग हो। फर्स्टली इसे ओपन कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का बैग है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब इसका कलर फोटो मेरे ब्लेजर और मेरे लुक से मैच कर रहा है। एंड अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस मिल जाता है आपको इस बैग के अंदर। एंड फर्स्ट आपको एक जिप वाला कंपार्टमेंट मिल जाएगा, एंड देन पूरा इतना एरिया मिल जाएगा, और स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छी है इसके अंदर। तरह से भी इसे कैरी कर सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो इस बेल्ट को लॉन्ग करके स्लिंग बैग भी, क्रॉस बैग टाइप के इसको कैरी कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है। इन सारे बैग्स के प्राइसेस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, बिकॉज मुझे किसी का भी प्राइस अभी याद नहीं है। और प्राइस वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप डेफिनेटली इसे एक बार चेक कर सकते हैं। इसमें कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैंने इसे पिंक एंड कलर में पिक किया है, आप दूसरे कलर ऑप्शंस देख सकते हैं। चलिए सेकेंड बैग फटाक से इसे ओपन कर लेते हैं। और ये ब्राउन इन कलर में है। एंड या मीशो से मैंने जो बैग्स ऑर्डर किए हैं, इनमें से मैंने ब्रांडेड बैग्स के भी ड्यूप ऑर्डर किए हैं। तो फर्स्ट जो मेरे हाथ में आया है, ये LV का ड्यूप है, मतलब फर्स्ट कॉपी जो मीशो पे। आजकल मीशो पे आपको ब्रांडेड बैग्स की भी कॉपीज़ मिल जाएंगी, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ब्रांडेड बैग के ऊपर हॉल वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी कर देना कमेंट, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ ऐसे ब्रांडेड बैग पे भी हॉल वीडियो शेयर करूँगी। फर्स्टली तो हम इस बैग की बात करते हैं, लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस भी अच्छा खासा है। एंड इसमें आपको इस तरह की चेन मिल जाती है। एंड अगर क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको ऐसा LV का लोगो बना हुआ मिल जाएगा। एंड देन फिर आपको अंदर सिर्फ एक जिप कंपार्टमेंट मिलेगा, देन बाकी पूरा ऐसा स्पेस मिलेगा। चाहें तो आप इसे इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं। आई थिंक मैं इसे ऐसे ही कैरी करने वाली हूँ, मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर आप चाहें तो इसकी जो चेन है, इसको बड़ा करके आप इसे ऐसे स्लिंग बैग भी कैरी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसे हैंडबैग की तरह कैरी करें, तो आप इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइप में बहुत अच्छा लगने वाला है, मटेरियल वाइज बहुत अच्छा है। बैग पे भी आपको ऐसा ब्लैक एंड ब्राउन चेक्स पैटर्न मिल जाएगा, एंड फ्रंट पे भी ऐसे ही मिलेगा। एंड इसमें आपको LV का लोगो मिल जाएगा। प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, इसमें भी कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। चलिए नेक्स्ट पार्सल हम ओपन करते हैं, एंड लेट्स सी इसमें हमें कौन सा बैग रिसीव हुआ है। एंड ओ माय गॉड, ये जिमी चू से बैग है। मतलब जब मैं इसे ऑर्डर प्लेस कर रही थी ना, तो फर्स्टली तो यहाँ पे जो ये बना हुआ है लोगो, ये उसमें देख नहीं रहा था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये जिमी चू से है। तो अगेन एक ब्रांडेड बैग की फर्स्ट कॉपी समझ लीजिए, आपको मीशो मिल जाएगी। ऐसा स्लिंग मिल जाएगा, और इसके साथ आई थिंक बड़ी स्लिंग चेन भी है। या इसके साथ आपको ऐसा बेल्ट भी रिसीव होता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे यहाँ अटैच करके फुल स्लिंग बैग, एज अ स्लिंग बैग भी कैरी कर सकते हैं। और स्पेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें आप एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा जिप वाला, एंड बाकी आपको पूरी स्पेस मिल जाएगी। पिंक कलर भी है, ग्रीन भी है, और एक और कलर है, तो आप दूसरे चेक कर सकते हैं। बट
ये फ्लोरल प्रिंट क्या सबके साथ चला जाएगा, आप किसी भी आउटफिट के साथ इसे कैरी कर सकते हो, क्योंकि इसमें वाइट भी है, ग्रीन भी है, पिंक भी है एंड येलो स्टोन भी है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बैग ऑफ दिस हॉल। मैं बोर हो गई हूँ उसे ऐसे ओपन कर करके, बट चलिए फटाफट से ओपन कर लेते हैं। एंड ये आपको ऐसा स्लिंग बैग मिल जाएगा एंड इसमें स्पेस बहुत सारी है, आपको सिंगल एक ही कंपार्टमेंट मिलेगा इसके अंदर, लेकिन स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसमें सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है और छोटा जिपर वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंगल एक ही जिपर है इसके अंदर। एंड आपको फुल स्लिंग मिल जाएगी, चेन जो चेयर रहती है वो है, तो आप इसको एज अ स्लिंग बैग कैरी कर सकते हैं। इसका प्राइस आई थिंक 110 समथिंग है, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। इसके कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, क्वालिटी वाइज मुझे ओके लग रहा है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर एक बार चेक कर सकते हैं, कलर ऑप्शंस तो हैं इसके और भी। जल्दी से ये नेक्स्ट बैग भी ओपन कर लेते हैं हम। तो ये नेक्स्ट बैग कुछ ऐसा है, ये ब्रांडेड बैग चार्ल्स एंड कैथ की कॉपी टाइप से, वो मैंने देखा था, वो कुछ समथिंग 7000 समथिंग का था और उसका पैटर्न ऐसा ही था, तो मैंने इसे मीशो पे देखा एंड लेकिन उस पर भी चार्ल्स एंड कैथ लिखा था, ये मुझे जो रिसीव हुआ है उसमें नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ। और अगर इसके स्पेस की बात करें तो इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है, आप आराम से अपना फ़ोन, चिल्लर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें पटक सकते हैं, इतना तो है स्पेस है। इसमें एक जिप कंपार्टमेंट भी है आपको मिल जाएगा, एक और एक पूरा कंपार्टमेंट मिल जाएगा, छोटा सा आपको जिप वाला डिटेल वाला कंपार्टमेंट भी मिल जाएगा। एंड फ्रंट में आपको ऐसा कुछ लॉक करने का पैटर्न मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको ऐसा बेल्ट रिसीव होता है तो आप इसे एज अ स्लिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं उसे ऐसा ही यूज़ करना पसंद करूँगी क्योंकि मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। आई डोंट थिंक सो कि स्लिंग के साथ इतना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, बट ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके कलर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अदर कलर, बट मुझे ये ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे ब्लैक में पिक कर लिया, प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, तो आप ज़रूर इसे चेक कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट बैग ऑफ दिस हॉल, एंड उसके लिए हमें अगेन ये पार्सल ओपन करना पड़ेगा। कितना शिमरी शिमरी लग रहा है ना, मतलब फुल पार्टी वाला लुक आपको देने वाला है ये, तो ये कुछ ऐसा रिसीव होता है एंड क्वालिटी वाइज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर स्लिंग चेन इसमें आपको ऐसा चेन मिल जाती है इसे ऐसा स्लिंग यूज़ करने के लिए, एंड स्पेस में आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी, एक जिप वाला कंपार्टमेंट मिल जाएगा एंड देन बाकी पूरी आपको स्पेस मिल जाएगी, आप फ़ोन, कैश और बहुत सारी चीज़ें, छोटा मोटा अपना मेकअप का सामान भी रख सकते हैं, पैसे वगैरह भी कैरी कर सकते हैं इसमें। और अगर आप चाहें तो आप इसे स्लिंग निकालने के बाद एज अ क्लच भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसे एज अ स्लिंग बैग कैरी करें तो आप इसे एज अ स्लिंग बैग भी कैरी कर सकते हैं, और अगर आप इसको एज अ हैंड बैग तरीके करना चाहते हैं तो आप इसकी चेन को छोटा कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से राउंड लेकर, एंड ये इस तरीके से हो जाएगा छोटा, तो आप इसको थ्री टाइप से यूज़ कर सकते हैं, क्लच भी बना सकते हैं, स्लिंग बैग भी बना सकते हैं और हैंड बैग जैसा ही बना सकते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा। टू द नेक्स्ट बैग ऑफ दिस हॉल, और अब मैंने पैकेट्स को ऑलरेडी ओपन कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था और बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जाती, तो ये है मेरे पास नेक्स्ट बैग जो मेरा फेवरेट हो गया, मतलब इसको देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, ये H&M और ज़ारा पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, मैंने बहुत सारे लोगों के पास देखा था एंड देन फिर मैंने इसे मीशो पे देखा, मीशो पे मुझे बहुत अफोर्डेबल, आई थिंक ये 500 समथिंग का कुछ है, मैं स्क्रीन पे प्राइस मेंशन कर दूंगी, एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और अगर इसके स्पेस की बात करें तो स्पेस भी बहुत सारा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा मोटा सा बैग है, अच्छा खासा स्पेस मिलने वाला है आपको इसके अंदर, एंड इसमें आपको एक छोटू सा यहाँ पे जिप वाला कंपार्टमेंट मिल जाएगा, एंड देन फुल पूरा एक सिंगल कंपार्टमेंट है, छोटा सा पॉकेट जैसा भी बना हुआ है इसमें, और इसके साथ आपको ये बेल्ट रिसीव होता है, तो जिसे आप यहाँ अटैच करके इसे ऐसा हैंडबैग जैसा कैरी कर सकते हैं,
और मैं इसे हैंडबैग जैसा कैरी करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक आने वाला है इसका। दोनों साइड आप इसे लगा लीजिए एंड देन इसके बाद यह बन जाएगा हमारा हैंडबैग। ये कुछ ऐसा लगने वाला है एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब इसमें भी दो ऑप्शन थे आई थिंक, एक तो ये सिल्वर पैटर्न में था एंड देन एक फुल ब्लैक में ही है, तो अगर आप चाहें तो दूसरा वाला भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब फुल पार्टी वेयर लगने वाला है, आप वेस्टर्न के साथ इसे कैरी करिए, लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके साथ आपको ऐसी सिल्वर कलर की चेन भी मिलती है जिससे आप इसे अटैच करके एज अ स्लिंग बैग भी बना सकते हैं, तो दो ऑप्शंस मिल जाते हैं इस बैग के साथ भी। प्राइस क्वालिटी वाइज एंड लुक वाइज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हाईली हाईली रिकमेंडेड। तो चलिए, जो नेक्स्ट बैग हमें रिसीव हुआ है वो है वाइट एंड कलर में एंड इस पर कुछ इम्बोज पैटर्न बना हुआ है, और मुझे इसका जो शेप था ना बैग का, स्पेशली मैंने इसके लिए इसे पैक किया। बहुत सारे कलर्सफुल मैंने बैग ऑर्डर कर लिए थे, तो मैंने सोचा वाइट कलर में भी बैग ऑर्डर करते हैं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका शेप भी बहुत अच्छा लग रहा था एंड इसका जो इम्बोज पैटर्न था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। एंड अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस भी अच्छा खासा है, आपको फुल एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा एंड फिर साइड में आपको एक छोटा सा जिपर मिल जाएगा, और उसमें आप अपने चिल्लर वगैरह पटक सकते हैं, और स्पेस भी अच्छा खासा है तो आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इसमें भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है ब्राउन एंड कलर में बैग। ये तो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे, मतलब लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस बैग। फर्स्टली आपको ऐसा कुछ एम्बोज पैटर्न मिल जाएगा, शाइनी इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा मैट फिनिश में है, बट इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप इसे इससे भी एज अ स्लिंग और एज अ हैंडबैग जैसा कैरी कर सकते हैं, आपको ऐसा कुछ स्लिंग बनाने के लिए बेल्ट मिल जाएगा साथ में, एंड अगर आप चाहें तो आप इसे बेल्ट को निकाल के सिर्फ ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, आई थिंक ब्लैक भी है, वाइट भी है, और भी कलर्स है, तो आप दूसरे भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी वाइज तो गाइस ऑसम, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बैग। प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँ। नेक्स्ट बैग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये फुल पार्टी वेयर क्लच प्लस स्लिंग बैग। मतलब आप इसे एज अ क्लच भी कैरी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें आपको ऐसे चेन मिलती है, तो आप इसे अटैच करके स्लिंग बैग जैसा भी कैरी कर सकते हैं। और अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक इसका प्राइस है कुछ 170 समथिंग, और फुल बैग पे आपको प्लेन मिल जाएगा ना, लेकिन फ्रंट पे आपको ऐसा पूरा शिमरी शिमरी सा पैटर्न मिल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, और इसके शिमर से ये बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर लुक दे रहा है। तो आप इसे साड़ी के साथ, सूट के साथ, इंडियन वेयर के साथ स्टाइल करिए, लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आई थिंक इसमें भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, सिल्वर में भी है और ग्रे समथिंग में भी है। द लास्ट बैग ऑफ दिस हॉल एंड ये हमारे पास होने वाला है अगेन ब्लैक इन कलर में, लेकिन इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। मतलब आप अगर ऑफिस गोइंग है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लासी लगने वाला है एंड फुल ऐसा कुछ बैग है। एंड इसमें आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है एंड देन फिर उसके बाद अंदर भी आपको ऐसा जिप वाला कंपार्टमेंट मिल जाएगा, और इसके भी साथ में आपको ऐसा बेल्ट रिसीव होता है, तो आप चाहें तो इसे एज अ हैंडबैग जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे बेल्ट को जॉइन करके स्लिंग बैग जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई थिंक ये एज अ हैंडबैग बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मतलब अगर मैं इस पिंक आउटफिट के साथ इसे कैरी कर लूँगी और ब्लैक कलर के हील शूज़ बूट वगैरह वेयर करूँगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो सारे बैग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपके साथ एक और बैग शेयर करने वाली हूँ जिसे मैं करीब 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, और ये भी मीशो से है। तो अगर आप चाहें तो ब्लैक इन कलर में ये हैंडबैग को भी पैक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग निकली है। मैं मैक्सिमम इसे 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे जब भी नहीं समझ आता है मैं किस आउटफिट के साथ किस बैग को कैरी करूँ, तो मैं ये वाला बैग उठा लेती हूँ, तो ये बेचारा बैग बहुत घिसा रहा है, और क्वालिटी में बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ख़राब हो गई है। अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको, अगेन ऐसा मतलब ऐसा जिप वाला कंपार्टमेंट मिल जाएगा, और साइड में ऐसा वाला पॉकेट भी मिल जाएगा, और अच्छी खासी स्पेस है। आप आराम से अपना फ़ोन, कैश, मेकअप, सारी चीज़ें इसे प्रोडक्ट सकते हैं मतलब। एंड अगर जिप की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वैसी की वैसी जैसे मैंने इसे स्टार्टिंग में लिया था वैसी ही है, और इसका लुक भी बिल्कुल भी नहीं गया।
इसमें भी ऐसा एम्बोज पैटर्न है एंड देख सकते हैं आप कि अभी भी इसमें शाइन है, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो मैं इसका भी कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, लिंक जो भी मिलेगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। इसके भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वाइट, पर्पल, ब्राउन, बहुत सारे कलर ऑप्शन है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अदर कलर, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, आई थिंक 350 समथिंग का ही है, तो अफोर्डेबल भी है और लुक वाइज तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट बैग है ये, मैं बहुत यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी इसे, इसलिए मैंने इसे इस हॉल में इंक्लूड कर लिया, तो आप डेफिनेटली इसे चेक कर सकते हैं। ये था मेरा मीशो बैग हॉल, समथिंग 11 बैग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और मुझे सबकी क्वालिटी अच्छी लगी। मेरा फेवरेट है वो H&M ज़ारा वाला ट्यूब एंड LV वाला ट्यूब, तो आप डेफिनेटली उन्हें ज़रूर चेक करिएगा। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि इन सारे बैग में आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।